Yes, we could. ये 227 पृष्ठ पर उद्योत वाम पक्ष में भाष्य के कर लिखता है आदि यद्यपि मुख्य आदित्वम उभयोर व्याहतम तथापि एक आदि शब्द गौण मुख्य आदित्व जो है वो दोनों का व्याहत है फिर भी एक आदि शब्द एक जो आदि शब्द है वो गौण है एक तो ये है कि आदि शब्द कौन सी प्रतीक उठाई इन्होंने भाष्य कहकर दो आदि हैं ऊपर मावस में नवम विज्ञायते संयोगो आदि संयोग आदि दो संयोग संयोगो आदि संयोग आदि संयोगाद्यो ऐसा नहीं है तो क्या जाना जाता है संयोगयो आदि संयोगादि संयोगाद्यो संयोगयो पर लिखा है कैयट ने संयोगयो आदि षष्ठी समास आश्रय थे संयोगयति तो द्विवचन निर्देश और जो संयोगयो कहा है वो द्विवचन निर्देश स्कोर इति द्वित्वात् सकार और ककार दो होने से समीपभूत समीपयोरपि हलोर द्वित्वात् जो स और क दो होने से उनके समीप जो हल होंगे वो भी दो ही होंगे मानी ये उपसर्जन द्वित्व प्रतिपादन गौण द्वित्व प्रतिपादन परक भाष्य नहीं है यहाँ पर संयोगयो आदि का अर्थ है जो दो संयोगयो द्विवचन निर्देशा स्कोर द्वित्वात् तत्समीप भूतयोरपि हलोर द्वित्वात् तक से जैसे संयोगयो आदि माने झलके पर रहते जो संयोग या पदांत में जो संयोग उसका आदि आदि माने समीप जो ककार या सकार उसका लोप होता है तो शक्ता वक्ता में वैसी स्थिति नहीं बन रही झलके पर रहते जो संयोग या पदांत में जो संयोग उसका आदि आदि मानी समीप उस संयोग के समीप जो सकार या ककार तक्ष लस जो आदि में ही बनेगा शक्ता में वैसी स्थिति नहीं बनेगी मानी ये जो आदि है यहाँ पर द्विवचनांत समास से दोष परिहार नहीं कर रहे पहले जैसे किया था ना नैवम विज्ञायते संयोगा आदिर्यस्य किंतरहि संयोगो आदियस्य ऐसे द्विवचन से विग्रह करके परिहार किया था वैसा यहाँ नहीं कर रहे हैं इसको संयोगाद्योरंते में द्विवचनांत बना करके परिहार नहीं कर रहे हैं है तो एक वचन ही पर वो द्विवचन तो सकार ककार के कारण हो रहा है पूर्व भाष्य का और इसका वैषम्य क्या है पूर्व में जो है पूर्व में द्विवचन विग्रह करके परिहार किया था संयोग आदि में है जिसके ऐसा जो अंग ऐसा अर्थ नहीं है पर दो संयोग आदि में जिसके जिस अंग के ऐसा समाधान दिया था यहाँ पर जो संयोगयो आदि द्विवचन जो दिया संयोग के जो दो आदि ऐसा जो अर्थ कर रहे हैं ये उस शैली में नहीं है उभयत्रापि द्विवचन उपादानात् दोनों जगह द्विवचन है संयोग में भी द्विवचन है और आदि में भी द्विवचन है संयोगयो आदि नागेश ने लिखा है पूर्व द्विवचनांत समासेन समासेन दोष परिहारा इति न भाष्यार्थ उभयत्रापि द्विवचन उपादानात्
अतः षष्ठी समास एवं च झल अंश से भी संयोगादि विशेषण अर्थवत भवति। झल अंश में भी संयोगादि विशेषण और पदांत में जो संयोग, झल के पर रहते जो संयोग और पदांत में जो संयोग, झल अंश में एवं च झल अंश से भी संयोगादि विशेषण अर्थवत भवति। मानी पदांत अंश में भी और झल अंश में भी संयोगादि विशेषण सार्थक होता है। आदि शब्द यहाँ अव्यवाची नहीं, असंभव होने से समीपार्थक है आदि शब्द। झलादि विशेष्यस्य संयोगस्य उपसर्णत्वेपि सूत्रत्वात् वृत्ति स विशेषणानां वृत्ति न वृत्तस्य वा विशेषण योगो न, ऐसा एक परिभाषा है ना। तो यहाँ पर झल के पर रहते झलादि विशेष्यस्य, झलादि का विशेष्य जो संयोग, उस संयोग का आदि के साथ समास कैसे हो गया। झल के पर रहते जो संयोग और उसका आदि, संयोगस्य आदि, संयोगस्य आदि, संयोग आदि, यहाँ पर ये जो पंक्ति लिखी है ना नागेश, झलादि विशेष्य संयोग से उपसर्णत्व सूत्रत्वाद वृत्ति, झलादि विशेष्य पदांत विशेष्य, झलादि षष्ठी समास करें या बहुव्रीहि, झलादि विशेष्य संयोग से, झलादि विशेष्य संयोग, झलादि, झलादि का संयोग, झलादि का विशेष्य जो संयोग और वो उपसर्जन है। उपसर्जन होने पर भी रिद्धस्य राज्या पुरुषा जैसे वृत्ति नहीं होती, रिद्धस्य का विशेष्य राज्या है और राज्या जो है उपसर्जन है, पुरुष की दृष्टि से उपसर्जन है, पुरुष प्रधान है, राज्या उपसर्जन है और रिद्ध का ये विशेष्य है। तो इसी तरह से रिद्धस्य राज्या पुरुषा कैसे यहाँ पर वृत्ति हो रही है, रिद्धस्य राज्या पुरुषा, दूसरी तरफ क्या है ये झलादि जलादि विशिष्ट जो संयोग, जलादि विशिष्ट संयोगस्यादि, ये जो जलादि इसका ये वो हो रहा है, जलादि विशिष्ट संयोगस्य सामान्य वाक्य बनाएंगे तो गुरुजी झली संयोगस्य आदि ऐसे कर सकते। हाँ ऐसे कर ले, झली यह संयोग, संयोगस्य आदि पदांते संयोगस्य आदि, तो ये विशेषण है ना झल इसका, विशेषण समानाधिकरण ही हो ऐसा जरूरी नहीं, अलग विभक्तियों में विशेषण होते, झली संयोगस्य आदि भेदक होता है, बस विशेषण उस परिभाषा में आना चाहिए। झल के पर रहते संयोग, किसी और के पर रहते नहीं, ऐसे जो है भेदक हो जाएगा। झल के पर रहते संयोग, झलातिरिक्त के पर रहते नहीं, पदांत के पर रहते जो संयोग अपदांत में नहीं, ऐसे ये भेदक हो जाएगा ये विशेषण। तो कह रहे हैं यहाँ संयोगस्य और आदि का समास कैसे हो गया, जब ये झली के द्वारा विशेषित किया जा रहा है
तो सोत्रत्वाद वृत्ति सूत्रकार का प्रयोग माना जाएगा। जली पड़ता है संयोगा पदांते जैसे होगा तो स्यादि समीपो या सकारा का कारस्य जलादि विशेष्य संयोग से उपसर्जनत्व भी इसके उपसर्जन होने पर भी सोत्रत्वाद वृत्ति जलादि का विशेष्य जो संयोग षष्ठी समास है जी जलादि विशेष्य से इसमें षष्ठी समास ही मानना पड़ेगा क्योंकि जलादि विशेष्य है जिसका यदि हम बहुव्री करते हैं तो जलादि विशेष बनने लगेगा इसका ये प्रधान होगा जलादि विशेष्य जिसका ऐसा संयोग ये विशेष्य है नहीं ये तो विशेषण है जल के परे जो संयोग संयोग बाद में जो आता है वो विशेष होता है जल के पर रहते जो संयोग षष्ठी तत्पुर जलादि विशेष्य। तो ये बात आप लोगों के ध्यान में आई कि यहाँ पर जो ये नागेश और कैयट ने लिखा है कि पूर्ववत द्विवचनांत समासेन दोष परिहारा इति न भाष्यार्था उभयत्रापि द्विवचनोपादानात् अतः षष्ठी समास दोनों जगह द्विवचन का उपादान होने से यद्यपि मुख्यादित्वम उभयोर व्याहतम तथापि एकादि शब्द मुख्यत्व जैसे आदि इति जो है वो हाँ। दूसरा ये षष्ठी समास वाला जो है ना संयोग योर आदि हाँ। ये वाला हाँ। ये वाला हाँ। हाँ। इसमें जो आदि शब्द है हाँ। वो जैसे आप लिख दें थोड़ा तक्ष और जल वाला उदाहरण है उसमें हाँ। झली परे हाँ। का और शब्द दोनों संयोग है हाँ। तो वैसे तो वो जल के परे रहते ऐसे आदि में नहीं है क्योंकि आदि तो तकार है तो मुख्य रूप से तो दोनों आदि में नहीं है लेकिन जब ये संयोग का आदि कहेंगे तो जो श है जली परे श ये जैसे यहां पर एक और ले लेते हैं तष्टा हाँ त्रिच परे रहते जो क और श है ये दोनों यदि कहें तो वो आदि में नहीं है आदि में तकार है तो गौण रूप आदि से में तकार आदि में ना पूरा आदि झली परे जो मुख्य आदि में है वो तो तकार ही है वो तक्ष का त ये हाँ तो झली परे टोटल आदि में त है मुख्य आदित्य तो दोनों का व्याहत है हाँ क और श का मुख्य आदित्व नहीं है लेकिन गौण रूप से जब हम कहेंगे झली परे जो संयोग और उसका आदि तो शकार का आदि ककार है शकार का आदि वहां फिर समीप भूत ना लेके मुख्य आदि अर्थ ले तो गौण आदि हाँ मतलब गौण आदि अर्थ ले तो भी चलेगा ऐसे तो वो जो ककार है वो आदि में है संयोग के आदि में तो उसमें गौण रूप से आदि का व्यवहार कर सकते हैं इसमें गुरुजी हाँ ये हम संयोग में ही आदि गौण और मुख्य आदि देखे तो जैसे आदि का इन्होंने समीपवाची लिया है अर्थ तो मुख्य दोनों आदि है झल परे रहते हैं पदांत में संयोग एक एक की संज्ञा है संयोग तो दोनों ये क भी आदि हो जाएगा और स भी आदि हो जाएगा लेकिन अधिक समीप स है तो ये आदि होगा झल के परे रहते और गौण क ऐसे हो सकते जी जल के पर रहते ये गौण रूप से आदि हो गया मुख्य रूप से समीप हो गया और ये गौण रूप से ककार जो है ये गौण रूप से आदि हो गया समीप यदि आदि का अर्थ समीप लेते हैं तो और संयोग में ही देखना है तो आदि यद्यपि मुख्य आदित्वम उभयोर व्याहतम संयोगस्य आदि आदि द्विवचनांत है ना तो मुख्य आदित्व इन दोनों का मुख्य आदित्व व्याहत है जल की दृष्टि से जल की दृष्टि से मुख्य आदित्व व्याहत है जल पर रहते जो संयोग जल के पर रहते संयोग ये जो पक्ष चल रहा है ये नैष दोष एक एक की संयोग संज्ञा होती है इस प्रसंग में सारी बातें चल रही हैं
कि एक एक वर्ण की भी संयोग संज्ञा हो जाती है। जब दो वर्ण व्यवधान रहित होते हैं तो एक वर्ण को भी हम संयोग नाम से पुकारते हैं। यही चर्चा चल रही है ना? क्यों जी? संयोग संज्ञायाम सहवचनम यथान्यत्र, ये बात चलाई 225 पृष्ठ पर। फिर कहा किंच स्यात् यदि एकैकस्य हला संयोग संज्ञा स्यात्। छह दोष दिए, द्वयोर अनंतरीय एकैकस्यापि संयोग संज्ञायाम गुरु संज्ञा प्रतिबंध कार्य सिद्धि रीति प्रश्न किंच स्यात्। दो के अनंतरीय होने पर एक एक की संयोग संज्ञा होगी तो गुरु संज्ञा प्रतिबंध कार्य सिद्धि, गुरु संज्ञा से प्रतिबंध, ये इधर 225 पर मैं कह रहा था किंच स्यात् यदि एकैकस्य। वार्तिककार ने वार्तिक बनाया कि सह ग्रहण करना चाहिए जैसे अन्यत्र होता है। किंच स्यात् एकैकस्य हला संयोग संज्ञा स्यात्, किंच स्यात्। प्रश्न ये कह रहे हैं दो जब अनंतरीय में हो गए, जैसे निर्याया दो अनंतरीय है ना, र और ये, एकैकस्यापि संयोग संज्ञा गुरु संज्ञा प्रतिबंध कार्य सात और आठ प्रतिबद्ध कार्य पाठ वे दिखाया, गुरु संज्ञा प्रतिबद्ध कार्य सिद्धि शिक्षा इत्यादि में गुरु सलाइति अप्रत्यय सिद्धि तथा च किम आपद्येत अन्यद अनिष्टमिति भाष्यार्था, क्या अनिष्ट आएगा। जैसे गुरु सला तो लग ही जाएगा, फिर भी ऐसे दिखाया इन्होंने एक एक की यदि संयोग संज्ञा हो जाए तो ये संयोग है, संयोग है गुरु है। दो हलों के अनंतर होने पर द्वयोर हलो अनंतरी सति एकस्य यदि संयोग संज्ञा भवति तदास्य गुरु संज्ञा भविष्यते तदा किम अनिष्टम आपद्यते इति प्रश्न। एक एकस्य संयोग संज्ञा भवति तदा अंतरेण संयुक्त वर्णानाम एक एकस्य भवति इति न उच्यते, परम यदा द्वयोर हलोर अनंतरीयं भवति तदा एकस्य हलः अपि संयोग संज्ञा जायते इति उच्यते। द्वयोर अनंतरीय एकैकस्यापि संयोग संज्ञायां गुरु संज्ञा प्रतिबद्ध कार्य सिद्धि इति भावः। प्रतिबंध का वो भाव कर्मवाची कर्म प्रत्यय करके और प्रतिबद्ध ही अर्थ निकल जाएगा, कर्म प्रत्यय करके प्रतिबंध प्रतिबद्ध वाचक हो जाएगा। संज्ञा प्रतिबंधे भी पाठे कर्मणि घ बोध्या और संज्ञा प्रतिबद्ध इति पाठा सुगमा, ये तो पाठ सुगम ही है। तो ई निर्यायात निर्वायात छह दोष दिए कि दो हलों के द्वयोर हलो अनंतरीय सति एकैकस्य अपि संयोग संज्ञा भवति। निर्यायात में र और य का अनंतरीय है तो यह की भी संयोग संज्ञा होगी, तो वान्य संयोगादे इत्यादि छह दोष दिए गए। नये से दोषा करके शुरू वाले तीन दोषों का समाधान कर दिया, एक ही साथ द्विवचनांत से विग्रह करके कह दिया संयोगादि में संख्या भेद विवक्षित है। संयोगादि वान्य संयोगादि में जो बहुव्रीहि समास करेंगे तो संयोग आदि यस्य एक वचनांत से विग्रह नहीं करेंगे, द्विवचनांत से विग्रह करेंगे संयोग आदि यस्य ऐसा अंग, ठीक है। इसमें इन्होंने प्रदीप ने विचार भी किया कि वृत्तो उपसर्जनार्थस्य द्वित्वावगति रीति चेत कथम वृत्तो उपसर्जनार्थस्य द्वित्वावगति आदि ग्रहण सामर्थ्यात्, अन्यथा संयोगात इति वक्तव्यम स्यात्। संयोगात परो यो आकार तदंतस्य अंगस्य एत्वम अर्थ लाभात्। कैसे वृत्ति में, वृत्ति मानी समास वृत्ति में उपसर्जनार्थ से द्वित्व अवगति, जो उपसर्जन हो जाता है ना उसमें द्वित्व अर्थ की अवगति कैसे होगी। संयोग आदि में जो बहुव्रीहि समास करोगे संयोग आदि में जिसके, तो यहाँ पर दो अर्थ की अवगति होगी कैसे, सामान्य रूप से तो हो नहीं रही। उन्होंने कहा आदि ग्रहण सामर्थ्य हो जाएगी, नहीं तो यूं कह देते संयोग से उत्तर जो आकार उसको ए होता है,
यदि संयोग से उत्तर जो आकार आदि ग्रहण सामर्थ्यात अन्यथा संयोगादि वक्तव्यम स्यात्, संयोग से उत्तर जो परे जो आकार तदंतस्य अंगस्य एत्वमिति अर्थलाभात्। गुरुजी ये जो आद्यंत वदेक अस्मिन् है उधर ये संकेत कर रहे हो ऐसे एक बार विचार किसका? ये यद्यपि मुख्यत्वम उभयोः व्याहतम तथापि एक आदि शब्द गौण इति भाव। यहाँ पर कर्मधारय समास कर दिया गया है संयोगौ आदि, जो संयोग है एक एक में वो आदि नहीं हो सकता, तब संभवतः ऐसा भी संकेत कर रहे हों कि व्यपदेशीवद भावे कस्मिन में जो गौण आदि अंत का ग्रहण किया जाता है ऐसा ये गौण हो ऐसा संकेत कर रहे हों तो भी संगत हो सकता है। पर नीचे मना करें ना कि व्यपदेशित भाव का था। मना कर दिया नीचे नीचे तो वो तो उसमें मना किया हो दूसरे वाक्य में, इसमें वही आ रहा था इसलिए वहां मना किया। न च सक्ता इत्यत्र व्यपदेशित भावेन स्वस्यापि स्वसमीपत्वेन दोषा तदवस्थादि ग्रहण सामर्थ्यात् व्यपदेशित भाव प्रवृत्तेः। आदि ग्रहण सामर्थ्य से व्यपदेशित भाव की प्रवृत्ति न होने से, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पर एक एक वर्ण की संयोग संज्ञा होती है उसका निराकरण कर रहे हैं दोषों का। यद्यपि उच्यते दृशत करोति संयोगान्तस्य लोप प्रसज्येत न विजयते संयोगो अन्तोयस्य, यहाँ पर भी संयोगो अन्तोयस्य ऐसा द्विवचन से विग्रह कर दिया। अंत ग्रहण सामर्थ्य से यहाँ पर संख्या भेद विवक्षित, वहां तो आदि ग्रहण सामर्थ्य से बता दिया था कैयट ने संगति लगाई, यहाँ अंत ग्रहण सामर्थ्य से संयोगान्तस्य में द्विवचन का विग्रह अभीष्ट होगा। संयोगान्तस्य है ना, दो संयोग अंत में हैं, दो संयोग संयोगौ अंतौ यस्य ऐसा विग्रह करेंगे अंत ग्रहण सामर्थ्य। कैसे अंत ग्रहण सामर्थ्य कैसे है? संयोगस्य लोपाय तेव सिद्धे संयोगेन पदस्य विशेषणात्। यदि केवल एक वचन का ही अर्थ अभीष्ट होता ऐसे कल्पना कर रहे हैं तो संयोग से पद को विशेषित कर देंगे और तदंत विधि हो जाएगी, संयोगान्तस्य पदस्य ऐसा अर्थ हो जाएगा। संयोगेन पदस्य विशेषणात् संयोगस्य लोपा, इतना ही सूत्र कहते थे, संयोग को पद से विशेषित करते तदंत विधि सिद्ध थी। अंत ग्रहण सामर्थ्य से आश्रित संख्या भेद संयोग गृहेत इतम अर्थ में जयते, जहाँ संख्या भेद आश्रित है ऐसा लिया जा रहा है। और उधर आदि के कारण से बोल दिया, जो वान्य संयोगादे था ना, वा अन्यस्य संयोगादे संयोगात या आकारा, संयोगात ऐसा सूत्र बना देते संयोगात या आकारा तदंतस्य अंगस्य एत्वं भवति। संयोगात पंचमी पर अर्थ में नागेश क्या कह रहा है, कथम वृत्तौ उपसर्जनार्थ से द्वित्वावगति रीति चेत अयम पूर्व पक्षो अयुक्त। कह पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष अयुक्त है, सिद्धांतस्तु युक्त है, तत्र आद्य पक्ष अभिप्रायण संयोगस्य द्वित्ववत्वेन प्रतीतिरेव भवत्। संयोग जो है द्वित्ववान है तो प्रतीति का ही अभाव होने से अयम पूर्व पक्षो अयुक्त सिद्धांतस्तु युक्त एव संयोगत्वेन एव अनेक संयोग प्रतीते। संयोग शब्द ही ऐसा है कि अनेक संयोग की प्रतीति होने से, नहीं वृत्तो अनेक बोधा उपसर्जनात् न भाष्य सम्मत। वृत्ति में जो अनेक का बोध है वो उपसर्जनात् न, उपसर्जन होने से नहीं होना चाहिए ऐसा भाष्य सम्मत नहीं। संख्या विशेष अनवगमस्य एव भाष्यकृता उक्तत्वात् न तु अनेक अनवगमा इति तेन उक्तम इति विभाव्यताम्। न तु अनेक अनवगमा इति तेन उक्तम,
अनेक का अनवगम है ऐसा उसने नहीं कहा, ऐसा विचार कीजिए। अयम पूर्व पक्षो अयुक्त, ये पूर्व पक्ष अयुक्त है, सिद्धांतस्तु युक्त एव। अयम पूर्व पक्षो अयुक्त, कह पूर्व पक्ष संयोग आदि यस्य, संयोग आदि यस्य, संयोग आदि ऐसा जो पूर्व पक्ष है, एक वर्ण की संयोग संज्ञा करके जो पूछ एक रहे वर्ण की जो संयोग संज्ञा करके जो पूछ रहे हैं वही गलत है, क्योंकि संयोग नाम है तो फिर वो एक वर्ण का कैसे होगा, दो का ही होगा, तो ये पूर्व पक्षी सही नहीं है। अयम पूर्व पक्षो युक्ता संयोगस्य द्वित्वत्वेन प्रतीतिरेव अभावात्, कस्य प्रतीतिरेव अभावात्, प्रतीतिरेव अभावात् एकस्य अर्थस्य, एक संयोग द्वित्ववान होता है तो संयोग जब बोलेंगे तो एक अर्थ की प्रतीति नहीं होगी, संयोगत्वेन एव अनेक संयोग प्रतीते, संयोग शब्द ही ऐसा है कि अनेक अर्थ की प्रतीति होगी, संयोग शब्द आ गया तो वहाँ अपने आप ही अनेक अर्थ की प्रतीति होगी, संयोगत्वेन एव अनेक संयोग प्रतीते, नहीं वृत्तो अनेक बोधा उपसर्जना नैति भाष्य सम्मत, वृत्ति में अनेक बोध उपसर्जन से नहीं हो सकता ऐसा भाष्यकार का अभिप्राय या नहीं है, नहीं वृत्तौ अनेक बोध, वृत्ति में, वृत्ति माने समास वृत्ति में अनेक बोध उपसर्जन से नहीं होना चाहिए ऐसा भाष्यकार का अभिप्राय नहीं है। कहां पर, जब हम संयोगादि पद को देखें तो संयोग शब्द जो वृत्ति हो रही है उसमें अनेक अर्थ का जो बोध है वृत्ति में नहीं पता चलेगा ऐसा भाष्यकार तो नहीं कहना चाहते पूर्व पक्ष में है? नहीं वृत्तो अनेक बोधा, इसने कैयट ने कहा था ना, कथम वृत्तो उपसर्जनार्थ सिद्धित्वावगति इति चेत, वृत्ति में द्वित्वार्थ कैसे, जैसे समास हुआ हुआ शब्द है अपने पास संयोग आदि, इसमें संयोग शब्द से दो अर्थ कैसे ले लिए, ऐसा प्रश्न उठा रहे हैं, वृत्ति में द्वित्व, वृत्ति में समास वृत्ति में दो अर्थ कैसे ले लिए, संयोग आदि जो एक शब्द है समस्त वृत्ति, समास हुआ हुआ जो पद है उसमें द्वित्वार्थ कैसे ले लिए, तो नागेश ये कह रहा है नहीं वृत्तो अनेक बोधा उपसर्जनात्, उपसर्जन से नहीं होना चाहिए ऐसा तो भाष्यकार कह ही नहीं रहे। संख्या विशेष अनवगमस्य, संख्या विशेष का अनवगम रहता है इतना ही भाष्यकार ने कहा है, न तो अनेक अनवगमा, ऐसा थोड़ी कह दिया कि अनेक का अनवगम रहता है, कहाँ पर, कहाँ पर ये बात कही है भाष्यकार ने, ये सब बातें समर्थापद विधि सूत्र भाष्य में, समर्थापद विधि जो सूत्र भाष्य है वहाँ की ये बात उठा करके कह रहे हैं नागेश, और वो जो कह रहे थे ना कैयट ने जो प्रश्न उठाया वो भी समर्थापद विधि की, वहाँ पर ये चर्चा चलाई है कि वृत्ति में और वाक्य में क्या फर्क होता है, तो उस चर्चा में यदि दर्शाया है कि संख्या भेद नहीं पता चलता वृत्ति में, और जब विग्रह होता है तो संख्या भेद पता चल जाता है, जैसे हम राजपुरुषा बोलें तो एक राजा का पुरुष या दो राजा या अनेक राजाओं का पुरुष ऐसे पता नहीं चलता, लेकिन जैसे बोल देंगे राज्या पुरुषा या राज्याम पुरुषा तो हमको साफ साफ पता लगता है, ऐसी ऐसी इसी स्टाइल में चर्चा की है वहाँ पर, इसी तरह से चर्चा की है वृत्ति और वाक्य में क्या भेद है, तो उसको पकड़ करके यहाँ कह रहे हैं कथम वृत्तो उपसर्जनार्थ सिद्धित्वावगति, वृत्ति में वहाँ पर तो समर्थापद विधि में तो ये बात कही गई है कि वृत्ति में उपसर्जन अर्थ का बोध होता नहीं है, यहाँ कैसे कर रहे हैं, तो कैयट तो आदि ग्रहण सामर्थ्यात समाधान दे रहा है, उधर संयोगांत में अंत ग्रहण समाधान दे रहा है कि अंत ग्रहण सामर्थ्य हो जाएगी, यहाँ आदि ग्रहण सामर्थ्य हो जाएगी, नागेश ने इस पर विचार किया तो कहता है अयम पूर्व पक्षो अयुक्त, अयम पूर्व पक्ष का मतलब ये कैयट ने जो पूर्व पक्ष उठाया ये अयुक्त है, वो जो भाष्य में चर्चा चल रही थी ना
उस पूर्व पक्ष की एक की संयोग संज्ञा होती है उस वाले पूर्व पक्ष की बात नहीं कह रहे। अयम पूर्व पक्ष हो कैयट प्रदत्त है, कैयट ने जो पूर्व पक्ष उठाया ना, कथम तो मतलब पूर्व पक्ष ही उठाया। कथम वृत्तो उपसर्जनार्थ सिद्धित्वावगति इति चेत, यहां तक पूर्व पक्ष उठाया कैयट ने, कैयट के द्वारा उठाया गया पूर्व पक्ष। तो अयम पूर्व पक्षो अयुक्त, ठीक है, कैयटोक्त पूर्व पक्ष है। हाँ जी, कह रहे हैं संयोग सिद्धित्वत्वेन प्रतीतेर अभावात्। संयोग जो है द्वित्ववान है। कथम वृत्तो उपसर्जनार्थ द्वित्वावगति इति चेत, ऐसे कहा ना ये पूर्व पक्ष, तो उसके लिए आगेश ने अयम पूर्व पक्षो अयुक्त सिद्धांतस्तु युक्त एव, सिद्धांतस्तु युक्त एव जो नीचे दिया ना छह नंबर टिप्पणी में, सिद्धांतस्तु युक्त अर्थात कैयटोक्त सिद्धांतस्तु युक्त एव। कथम इति चेत, ऐसा कहकर के फिर बोले आदि ग्रहण सामर्थ्यात अन्यथा संयोगात इति वक्तव्यम स्यात्। संयोगात परो व्याकर तदंतस्य अंगस्य इति अर्थलाभात। ये जो सिद्धांत दिया है ना, कैयट ने पूर्व पक्ष भी दिया और सिद्धांत भी दिया, तो नीचे छायाकार ने कहा सिद्धांतस्तु युक्त एव, कैयटोक्त पूर्व पक्ष अयुक्त है सिद्धांतस्तु युक्त एव, सिद्धांत तो ठीक ही है। तत्र आद्य पक्ष अभिप्रायणाः संयोग, कौन संयोगस्य आद्य पक्षाभिप्रायण आह, आद्य पक्षाभिप्रायण आह पूर्व पक्षाभिप्रायण, आद्य पक्ष तो पूर्व पक्ष ही होता है, आद्य पक्ष उत्तर पक्ष, पूर्व पक्ष सिद्धांत पक्ष। नीचे जो छह नंबर टिप्पणी में देख रहे हैं सिद्धांतस्तु युक्त इति भाव, तत्र आद्य पक्षाभिप्रायण, आद्य पक्ष किम पूर्व पक्षाभिप्रायण आह संयोगस्य द्वित्ववत्वेन, संयोग जो है द्वित्ववत्व होने से प्रतीतेरेव भावात्, प्रतीतेरेव प्रतीतेरेव अभावात् पाठ भी मिलता है और भावात् भी मिलता है। संयोग जो है द्वित्ववान है, तो प्रतीतेरेव प्रतीति ही के भाव होने से, माने यहाँ पर द्वित्व अवगति तो होगी ही, जब संयोग द्वित्ववान है तो संयोगत्वेन एव अनेक संयोग प्रतीते, हेतु दिया संयोगत्व है तो अनेक संयोगत्व की प्रतीति तो होनी ही चाहिए। अब ये बात आई, नहीं वृत्तो अनेक बोधा उपसर्जनात् नैति भाष्य सम्मत, ये पंक्ति आ गई वहां की समर्था पद विधि की। समर्था पद विधि पर ऐसी चर्चा चलाई कि जो है वृत्ति में ऐसा नहीं होता है, नहीं वृत्तो अनेक बोधा उपसर्जना नहीं थी भाष्य सम्मत, वृत्तो अनेक बोधा उपसर्जनात् न, वृत्ति में अनेक बोध अनेक अर्थ का जो बोध है उपसर्जन से नहीं होता इति भाष्य सम्मत, नहीं वृत्तो अनेक बोधा उपसर्जना न इति भाष्य सम्मत। संख्या विशेष अनवगमस्य भाष्यकृता उक्तत्वात् न तो अनेक अनवगमायति तेनुक्तम इति विभाव्यताम, ये दोनों पंक्तियां समर्थ पद विधि से रिलेटेड है, ठीक है। अब संकेत कर सकते हो समर्थ पद विधि से संबंधित द्रष्टव्य समर्थ पद विधि, ऐसे लिख सकते, नहीं वृत्तो अनेक बोधा उपसर्जना नैति भाष्य सम्मत। समर्था पद विधि भाष्यकार ने वहां पर ये सब बातें बताई है कि वृत्ति में अनेक बोध उपसर्जन से नहीं होता, ऐसा भाष्यकार का सम्मत पक्ष नहीं है। संख्या विशेष अनुगम से भाष्य, इतना ही तो बताया कि संख्या विशेष का पता नहीं चलता। वहां पर जो चर्चा आई है समर्था पद विधि पर, तो इतनी तो चर्चा है कि संख्या विशेष का अनवगम रहता है, ये थोड़ी कह दिया कि बोध होता ही नहीं। संख्या विशेष का अनवगम रहता है कि एक संख्या दो संख्या बहुत संख्या, इसका अनवगम साफ ही कहा है वहां पर, संख्या विशेष अनवगम, हाँ ऐसे कहा है।
संख्या विशेष अनवगमस्य भाष्यकृता न तो अनेक अनवगमा, ऐसी तो बात ही नहीं आई वहां समर्थापद विधि सूत्र पर। वृत्ति और वाक्य का जब दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया तो वहां ये तो बात ही नहीं आई कि वहां तो अनेक अर्थ की प्रतीति होती है, वहां अनेक अर्थ का बोध नहीं होता है, ऐसे थोड़ी कहा। संख्या विशेष का बोध नहीं होता ऐसे कहा है, पंक्ति है मेरे को याद आ रही है कि वहां पर यह कहा है कि संख्या विशेष का बोध नहीं होता वृत्ति में। इति विभाव्यताम, ऐसे समझ लीजिए। तो ये एक एक की संयुक्त संज्ञा के पक्ष में यद्यपि उच्चते ये बात हो गई एवं जयते। हाँ जी, ये इसका विग्रह संयोगादि या संयोगांत में, संयोगांत का जो विग्रह संयोगवंतव्यस्य, हाँ एक वचन में ये होगा, और जब वो द्विवचन करके परिहार दे रहे हैं कि संयोगौ अंतव्यस्य, हाँ अस्य यस्य, दोनों अंत में नहीं होंगे ना, संयोगौ अंतौ यस्य, अंत शब्द का गौण अर्थ ले लेंगे, संयोगौ अंते यस्य होना चाहिए, अंतौ यस्य, अंत का अर्थ दोनों जो पहले अंत का अर्थ अवयव लें या समीप लें, यस्य पदस्य अंतिम अर्थ यहाँ तो लेना पड़ेगा ना, हैं अंतिम अर्थ, तो एक अंत को गौण कर लेंगे, अंतावयव जो है अवयवाची यदि ले रहे हो तो संयोगो जैसे गोमांत है, ये न और तय है ना, तो संयोग अंतौ यस्य, ये तो अंत है, इसको गौण रूप से समझ लेंगे, संयोग अंतौ यस्य, ये जो न ये भी संयोग है और ये भी संयोग है, संयोग अंत है जिस पद के, तो ये तो संयोग अंत है जिसके, अंतावयव यदि अर्थ लेते हैं, अंत का अर्थ अंतावयव लेते हैं तो ये तो अंत है, ये गौण रूप से अंत है, उसके समीप होने से ये भी अंत हो गया, संयोग अंत है जिसका दृशत करोति, अर्थ वो बदल रहा है ना, एक अवयव हो गया एक अंतिम हो गया, या एक वचन में करेंगे तो संयोग और वही अंतिम नहीं, वो दोनों द्विवचन में भी संयोग अंत में जिसके, ये भी अंत में ये भी अंत में, समीप वाले को भी अंत कह रहे हैं, जैसे प्रथमा के समीप द्वितीया को प्रथमा कह देते हैं, संयोग अंत में जिसके, दृशत करोति में वो स्थिति नहीं बनती, देखिए दृशत करोति संयोग, दो संयोग अंत हैं जिसके, जिस पद के दो संयोग, तय और कह संयोग तो है पर दो संयोग अंत में नहीं है इस दृशत पद के, ये कह रहे थे कि ककार का लोप पाएगा तय और कह की संयोग संज्ञा होने से, नहीं लोप तो तय का ही दिखा रहे हैं, किसका दिखा रहे हैं, समित करोति दृशत करोति में तकार का पीछे दिया है ना, इच दृशत करोति संयोगांतस्य लोभा प्रसज्येत, किसका कैसे सन्निधो दस्य संयोगत्वात् संयोगांतस्यति बहुव्रीहि पदम च अन्य पदार्थ अलोन्त्यस्य अन्त्यस्य लोभा प्रसज्येत, पीछे 12 नंबर टिप्पणी देखिए 225 पर, हैं 12 नंबर में और 11 नंबर में संघ्रियते में गुणवर्ति संयोगादि गुण होने लगेगा संघ्रियते, 11 नंबर टिप्पणी देखिए, सामान्य शिष्ट रिंग है, सामान्य शिष्ट सामान्य रूप से कथित जो रिंग है उसका संयोगादित्वेन संयोगादित्वेन विशेष वितो गुणोपाद का स्यादिति संघ्रियते इति स्यादिति भाव, संघ्रियते होने लगेगा, और 10 नंबर में ये दिया संघ ऋषि ऋतस्य संयोगादे सम पूर्वाधर्ते आशीर लिंगी तंगी रूपम लिंग सिंचायती कित्वाद गुणों ने इट प्रतिषेध अजलादित्वेन अकित्वाद गुणे
अजलादि त्वेन अकित्वात्, अजलादि हो जाएगा और अकित हो जाएगा तो फिर गुण होकर के संग हरिशिष्ट इट प्रसज्जेत, इट हो जाएगा तो फिर गुण भी हो जाएगा। तो ये 10 11 12 ये ठीक इन्होंने विचार किया है छायाकार ने। निर्यायात वान्य संयोगादित एतम प्रसज्जेत, ये तो स्पष्ट ही है। तो इसको उठा करके शक्ता में कह का लोप हो जाएगा, निर्यातों में संयोगादित निष्ठानत्व होने लगेगा। तो यहाँ पर आ जाइए अब, दिशत करोति समित करोति संयोगांतस लोप प्रसज्जेत, संयोगांतस माने तकार का लोप होने लगेगा, लोप है तकारस्य, ऐसा लिख सकते हो, तकारस्य लोप प्रसज्जेत ये यहाँ पर कहा है। तकार या दकार ये कहा ना, संयोगांत का अलोन्त्यस्य लग करके ये तो संयोग संज्ञा होगी तय और कह की, समाधान पक्ष में कह रहे हैं संयोग दो संयोग अंत हैं जिसके जिस पद के, तो यहां तो लग सकता है। अब इसमें ये बात आएगी दो संयोग अंत कैसे हैं, ये तो संयोग अंत है इसको गुण ले लेंगे, तय के पास जो न है इसको गुण संयोग कह देंगे, फिर अलोन्त्यस्य तय का लोप हो जाता है। दृशत करोति संयोग अंतौ यस्य, यद्यपि उच्यते यही च सक्ता वस्ता की बात आ गई, सक्ता वस्ता जो ये कहा गया कि सक्ता में इसको सुनगा दुरंते च जल के परे रहते, देखिए तय जल परे मान लिया और दो वर्ण हैं, जल परे मान लिया और इस कह को संयोग कह दिया, तो इसलिए लोप पाएगा, संयोग भी हो गया और आदि भी हो गया, ये संयोग कह का नाम संयोग हो गया और आदि भी हो गया ये। तो उत्तर देते हैं नयो विज्ञेयते संयोगो आदि, ऐसे नहीं कह रहे हम, दो संयोग आदि हों, संयोगादि संयोगाद्यो सकार का कार्य, दो संयोग यहां पर जो संयोगो आदि कहा है ये द्विवचन से जैसे और जगह कर रहे थे वैसा नहीं कर रहे, संयोगो आदि ये सकार का कार्य के कारण द्विवचन डाल रखा है, हैं हैं। कल में जो पूछ रहा था ये कि अगर दो संयोग ले लेंगे तो फिर उसके अलावा कोई तीसरा आदि में होना चाहिए, हाँ वो द्विवचन तो सिर्फ वो सकार ककार की वजह, सकार ककार के कारण से द्विवचन बढ़ रखा है, संयोगस्य आदि ऐसा समाधान पक्ष में, पर ये समाधान पूर्व पक्ष में संयोगो आदि यहाँ पर ये कहा कि ऐसा अर्थ नहीं है कि संयोग जो सकार ककार, संयोगो आदि जब करेंगे संयोग रूप जो सकार या ककार, ऐसा नहीं अर्थ, जल के पर रहते संयोग रूप जो सकार, संयोग रूप ये दो के कारण से दिया है, सक्ता वस्ता ऐसे समझ लो, जल के पर रहते संयोग रूप स और क, इसको है ना, नीचे लिख देता हूं, संयोग रूप सकार ककार, जल के पर रहते संयोग रूप सकार ककार ऐसा नहीं जाना जा रहा, ये बात विशेष है ध्यान देने की, वैसे उस समय हमने पढ़ा था तब भी ये काफी देर लगाई थी इसने, एक बार समझ लेते हैं फिर वो भूल जाते हैं, एक दो साल बाद जब आता है नंबर संघर्ष करके समझ लेते हैं पर फिर वो अगले टाइम में फिर वैसा ही हो जाता है। तो अब तो पकड़ में आ रहा है ये कि ये ऐसा नहीं जाना जाता, संयोगो आदि संयोगादि संयोगाद्यो इति, यहां पर स और क को संयोग कह रहे हैं, स और क आदि झलके पर रहते, अब ये कह रहे हैं उभयोर
इसको नीचे वाले यद्यपि मुख्य आदित्वम उभयोर व्याहतम, अब मुख्य आदित्व तो व्याहत हो ही गया ना, आदि थोड़ी है ये मुख्य आदि, तथापि एक आदि गोणा इसमें नहीं गुरु जी, इसमें नहीं, वो तो आगे अगले वाले में आएगा है, षष्ठी समास, षष्ठी समास में आएगा ये तो, यहां तो फिर ये कह रहे हैं ऐसा अर्थ नहीं है। संयोग आदि कैसा है तो बोले संयोग यो आदि, दो संयोगों के, यहां भी एक एक वचन ही लेंगे हैं, संयोग यो तो द्विवचन निर्देश है, स्कोर द्वित्वात, यहां एक वचन में संयोगस्य आदि सकार, संयोगस्य आदि ककार ऐसे, हाँ तो संयोग यो आदि का अर्थ हो गया संयोग से आदि सकार, संयोग से आदि ककार, जैसे जैसे यूं समझ लो सकार, जैसे लश्ज तय तस तक्ष, लग्न बनाते हैं ना लग्न, और ये त्रिच ले लेते हैं तष्टा, तष्टा बनाते हैं, तो संयोगस्य ये संयोग क्या है, यहाँ संयोगस्य आदि संयोगयो इति द्विवचन निर्देशा स्कोर द्वित्वात् ऐसे दिया है। प्रदीप देखिए संयोगयो आदि स्कोर द्वित्वात्, संयोग इति द्विवचन निर्देशा स्कोर द्वित्वात् तत्समीपयोरपि हलोर द्वित्वात्, उसके समीप स्को द्वित्व है, स्कोर द्वित्वात् स और क द्वित्व है, तो उनके जो समीप हल हैं ज और श, संयोग तो ये स ज, संयोगयो आदि, संयोगयो आदि स्कोर द्वित्वात् तत्समीप भूतयो तत्समीपयोरपि द्वित्वात्, तथस्त न उपसर्जन द्वित्व प्रतिपादन परम भाष्यम, उपसर्जन प्रतिपादन परक भाष्य नहीं है, तेन अयम अर्था। तीन नंबर टिप्पणी एक बार देख सकते हैं, ननु झलि तस्य संयोगादि विशेषणत्वे षष्ठी समासस्य कर्मधारय अविरोधवतः, झलि जो है वो संयोगादि का विशेषण है, झलि संयोगादि का विशेषण है, षष्ठी समास से कर्मधारयाद विरोध हो, षष्ठी समास का कर्मधारय से तो विरोध पड़ेगा, अतः है तो इसके लिए कहा संयोगयो आदि और संयोगो आदि, जब हम ऐसा कर्मधारय करते हैं संयोगो आदि और संयोगयो आदि षष्ठी समास का कर्मधारय से विरोध पाएगा, क्योंकि झलि जो है संयोग आदि विशेषण है, तो इसके लिए बताया तेन अयम अर्था। यद्यपि उपसर्जनम संयोग, संयोग जो है उपसर्जन है, तथापि संयोगादि ग्रहण सामर्थ्यात संयोगो झलि तेनेन विशेष्यते, संयोग जो है झलि के द्वारा विशेषित, एवं पदांते तेनेनापि पदांते के द्वारा भी झलि विशेषित हो, पदांते के द्वारा भी संयोग विशेषित हो रहा है, अन्यथा तत्रापि आदि ग्रहण वैयर्थ्यात वहां पर भी आदि की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तेन अयम अर्था झलि परता यह संयोग, छायाकार ने प्रदीप उद्योग दोनों पर टिप्पणी लिखी है ना, छायाकार ने जो अपना वक्तव्य लिखा है वो प्रदीप पर भी लिखा है जहां जरूरत समझी, और उद्योत पर भी लिखा है ना, तेन अयम अर्थात झलि परता यह संयोग पदांते च यह संयोग तस्य आदि समीपो यह ककार सकार से तयोर्लोप, सक्ता वक्ता में लोप नहीं हो रहा, आदि भाष्य आदि यद्यपि मुख्य आदित्वम उभयर व्याहतम तथापि एक आदि शब्द गौण इति पूर्व द्विजनान समासेन दोष परिहारा इति ने भाष्यार्थ, पहली बात तो यह है कि वैसे समाधान नहीं दिया, उभयत्रापि द्विवचन उपादानात, दोनों ही जगह द्विवचन का उपादान होने से, द्विवचन ये है ना, संयोग में भी द्विवचन है आदि में भी द्विवचन है,
हाँ जी हाँ युवम विज्ञायते इस पर भी और ये जो कथम तरही जो देते हैं उन हाँ। दोनों में द्विवचन इसका कह रहे होंगे शायद उभयत्रापि क्योंकि वहाँ तो एक में था उत्तर पक्ष में द्विवचन करते थे और यहाँ पूर्व पक्ष में भी उभयत्रापि पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष दोनों जगह ऐसे करें उभयम का अर्थ हे उपाधि स्थल ऐसा भी दिया है तो वही पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष आएगा यहां मैं ये कह रहा था संयोग से आदि देखिए झलके पर रहते इस एक वर्ण का नाम संयोग हो गया दो व्यंजनों का क और श इन दो व्यंजनों के अनंतर्य में एक वर्ण को हमने नाम रख दिया संयोग एक वर्ण का नाम रख दिया संयोग और इसका आदि क यहां पर ऐसा नहीं है हाँ स्वामी जी जैसे वस्ता में तय के परे रहते संयोग नाम रख दिया मान लीजिए सह का तो उस सह का आदि नहीं है उस सह का वस्ता में सह का आदि कोई वर्ण नहीं है यहां देखिए झलके परे रहते ये संयोग नाम है जय का और उस जय का आदि सह तो इसका लोप हो जाएगा संयोग नाम जय का है उसका आदि ये द्विवचन जो है उस शैली में नहीं है जैसे कि पहले वाली शैली द्विवचनांत से विग्रह कर रहे थे ना जैसे ये सूत्रों का संयोगांत लोपा का और वान्य संयोग आदि में जैसे दो द्विवचन से विग्रह दिखा रहे थे उस तरह का ये द्विवचनांत पद नहीं है जी वो तो कर्म धारा और षष्ठी समास का भेद करके दिखाया है मतलब वो षष्ठी समास कर दिया है संयोगयो आदि का मतलब है वो द्विवचन जो हमें दिखाई दे रहा है वो उसके कारण से नहीं है वो इस संयोग को देख करके नहीं है संयोग आदि मानी दो स्थलों की दृष्टि से कह रहे हैं सकार ककारयो हो सकार ककार के ऊपर पहुंचाने के लिए संयोग से आदि सकार संयोग से आदि ककार इस संयोग आदि का समझना पड़ेगा हमारे को अर्थ जो ये पद है ना संयोग आदि इसको ही समझना पड़ेगा झलके पर रहते जो संयोग का आदि सकार झलके पर रहते संयोग का आदि जो ककार इन दो उदाहरणों की दृष्टि से संयोग आदि कहा है जो अलग अलग दो उदाहरण है ना सकार ककार का उस कारण से संयोग के आदि सकार ककार पर पहुंच रहे हैं सकार ककार दो है ना इसलिए उसके समीप जो वर्ण होंगे वो भी दो होंगे इस दृष्टि से ये तो स्पष्ट लिखा ही है व्याख्या करण देखिए नीचे देखिए षष्ठी समासा आश्रियते इत्यर्थ प्रदीप देखिए संयोगा संयोगयो इति द्विवचन निर्देशा स्कोर द्वित्वात् समीपयोरपि हलोर द्वित्वात् संयोगो इति द्विवचन निर्देशा संयोगयो जो द्विवचन निर्देश है वो सकार ककार के दो होने से उसके समीप जो वर्ण है तत्समीपयोरपि हलो द्वित्वात् मानी उसके समीप भूत जो हल हैं वो भी द्वित्व हैं तेनयम अर्थ फिर प्रदीप खोल रहा है इस कारण ये अर्थ बनेगा झली परता यह संयोगा पदांते च यह संयोगा एक बात हो गई तस्य आदि समीपो यह ककार सकारस्य तयोर्लोपा झली परता यह संयोगा तस्य आदि पदांते च संयोगा तस्य आदि झल और पदांत के द्वारा संयोग को विशेषित करेंगे झली यह संयोगा पदांते च यह संयोगा तस्य आदि सकारा झली या संयोगा तस्य आदि ककारा सकार ककार के कारण से वो द्विवचन में जा रहा है संयोगयो जो पद यहाँ पर उच्चरित हो रहा है वो उस शैली में नहीं है नागेश ने भी नीचे ये बात कही कि यद्यपि मुख्य आदित्वम उभयोर व्याहतम तथापि एक आदि शब्द गौण इति भावा और इसके आगे नीचे देखिए पूर्व द्विवचनांत समासेन दोष परिहारा इति न भाष्यार्था उभयत्रापि द्विवचनोपादानात् उभयत्रापि मानी पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष दोनों में क्यों जी
पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष ले या संयोग है वो आदि में द्विवचन का उपादान होने से, संयोग है वो आदि, यहां भी द्विवचन का तो उपादान है वैसे, उभयत्रा भी द्विवचनो उपादान। जो हेतु दिया ना किसने कि यहां पर पूर्व की तरह है, जैसे संयोगो अंते अंतौ यस्य ऐसा समाधान कर रहे थे द्विशत करोति में, द्विशत करोति में जैसे द्विशत करोति संयोग अंत में है जिसके गोमांत, न और तय ये संयोग अंत में है जिसके, जैसे यहां परिहार किया इन्होंने वैसा यहां पर परिहार नहीं है। दृशत करोति में, दृशत करोति में तो परिहार हो गया, इसका परिहार वैसा नहीं है। वस्ता शक्ता ये जो परिहार दे रहे हैं उस शैली में नहीं है, द्विवचन की शैली में नहीं है। यहां हमको ऐसे करना पड़ेगा, झलके पर रहते जो संयोग का आदि, और झलके पर रहते संयोग का आदि स, झलके पर रहते संयोग का आदि क, संयोग आदि। हाँ जी, अब आप लोग इस पर विचार करो, एक तो उभयत्रा भी बात आ गई, उभयत्रा भी द्विवचन उपादानात्, हाँ जी हमने ये अर्थ किया है कि झली परत यह संयोग स और झली परत यह संयोग क ऐसे, और यहाँ प्रदीप में ये कर रहे हैं तेन अयम अर्थ झली परत यह संयोग पदांते च यह संयोग, वो उपलक्षण मान रहे हैं पदांत का, तो ये नीचे व्याख्याकारों दिया है कि पदांत का भी उपलक्षण है, वो जो प्रदीप ने अर्थ दिया है ना जी, वो पदांत का भी उपलक्षण है, झली जो पद है। गुरु जी, जो समास में संख्या विशेष का बोध नहीं होता और अनेकत्व का अवगमन नहीं होता, इस दोनों में क्या अंतर है? इसका अंतर यह है कि वहां पर ये बात चलाई समर्थापद विधि सूत्र पर, समर्थापद विधि में वृत्ति और वाक्य में क्या फर्क रहता है ये प्रश्न उठाया है। इमे तरही एकार्थी भाव, बात ये चलाई कस्तरही एकार्थी भाव कृतो विशेष, एकार्थी भाव समास में ही होता है, व्यपेक्षा सामर्थ्य विग्रह में होता है, तो शुभ लोपो व्यवधानम यथेष्टम अन्यतरेण अभिसंबंध इति, ऐसे तीन बात कही। शुभ लोपो भवति वाक्य राज्य पुरुषा, समासे न भवति राजपुरुषा, समास में राजपुरुषा सुप का सुप लोपो भवति वाक्य, सुप अलोपो भवति वाक्य, सुप का अलोप रहता वाक्य में राज्य पुरुषा, लेकिन समास में नहीं होता राजपुरुषा। व्यवधानम भवति वाक्य राज्या रिद्धस्य पुरुषा, समास में नहीं होता राजपुरुषा, राज और पुरुष के बीच में कोई और पद नहीं आना चाहिए। यथेष्टम अन्यतरेण अभिसंबंध भवति वाक्य, पुरुषा राज्या राज्या पुरुषा दोनों आगे पीछे कर सकते हैं, समासे राजपुरुषा। दो स्वरो भवति वाक्य भवता वाक्य राज्या पुरुषा, समासे एकैव, ऐसे ऐसे करके दिया। फिर बोले न एते एकार्थी भाव कृता विशेषा किं तरी वाचनिकानि एतानि, इमे तरी एकार्थी भाव कृता विशेषा, अच्छा तो ये एकार्थी भाव कृत विशेष हैं। तो यहाँ पर बताया संख्या विशेषा व्यक्ताभिधानम उपसर्जन विशेषणम च योगा, ये 323 पृष्ठ पर है, ये महाभाष्य आप लिख सकते हो यहाँ पर समर्थापद विधि पृष्ठ 323। संख्या विशेष की प्रतीति होती है, जैसे राज्यां पुरुषा राज्यों पुरुषा राज्यां पुरुषा, समास न भवती राजपुरुषा, समास में संख्या विशेष की प्रतीति नहीं होती, बस इतना कहा है महाभाष्य में, संख्या विशेषो भवति वाक्य समासे न भवति संख्या विशेषा, ये तो नहीं कहा कि संख्या विशेष होता ही नहीं, संख्या विशेष का
सुनिश्चित रूप से बोध नहीं होता। राजपुरुषा कहने से ये बोध नहीं होगा कि एक राजा का पुरुष है या दो राजा का या बहुत राजा का, लेकिन जब वाक्य में बोल देंगे तो स्पष्ट हो जाता है कि एक राजा का पुरुष है या दो राजाओं का पुरुष है या बहुत राजा का पुरुष है। समस्त पद में संख्या विशेष का अवगमन नहीं होता ये कहा गया है, न कि विग्रह वाक्य में अनेकत्व का अवगमन नहीं होता, ऐसा समझेंगे ना गुरु जी? समस्त पद में संख्या विशेष का बोध नहीं हो पाता है राज्य पुरुष में जी, न कि उसके विग्रह वाक्य में अनेकत्व का अभाव रहता है वहां तो। विग्रह वाक्य मत कहो, यूं कहो कि उसके अंदर अनेकत्व रहता ही नहीं, ये नहीं कहा। नहीं, और विग्रह वाक्य में तो अनेक विग्रह वाक्य में तो हम विग्रह करेंगे अपनी विवक्षा के अनुसार, हम कर सकते हैं, दिखा सकते हैं जी। पर वो जो समस्त पद है उस समस्त पद में अनेकत्व तो अनेकत्व भी रह सकता है, द्वित्व भी रह सकता है, एकत्व भी रह सकता है, बोध नहीं हो पाता जी। अब उसका विग्रह करते समय अपनी विवक्षा के अनुसार हम उसको दिखा बोध करा सकते हैं जी। तो ये यहाँ की ये बात उठा करके इन्होंने दे दी, ये दिया ना, नहीं वृत्तो अनेक बोधा उपसर्जना नहीं थी भाष्यसम्मता। ये भाष्यसम्मत बात नहीं है कि वृत्ति में अनेक अर्थ का बोध उपसर्जन पद से नहीं हुआ करता है, ये जो बात है ये भाष्यसम्मत नहीं है। कैसे? संख्या विशेष अनवगमस्य भाष्यकृता उक्तत्वात्, भाष्यकार ने जो कहा है समर्था पद विधि सूत्र पर, संख्या विशेष के अनवगम का ही कथन किया है, न तो अनेक अनवगमा, ऐसे नहीं कहा वहां पर कि भाई अनेक अर्थ का बोध होता ही नहीं, ऐसे नहीं कहा। अनेक अर्थ का भी हो सकता है यदि ऐसी विवक्षा हमारी हो और शब्द से हम वैसा अर्थ देख रहे हों तो हो सकता है, ऐसा नागेश कह रहा है। ये जो पद था ना इनका, संयोगो आदि यस्य स्वयं संयोग आदि, यहाँ पर जो द्वित्व अर्थ का बोध कर रहे हैं ना, शब्द तो हमारे पास सामने है संयोग आदि, सुनाई तो पड़ रहा है संयोग आदि, पर विग्रह करते समय द्विवचन में ला रहे हैं इस दो संयोग आदि में है जिसके, तो ये कैसे हो गया? बोले विवक्षा से हो गया ऐसा, और वो हेतु दिया आदि ग्रहण सामर्थ्यात्। उत्तर पक्ष को तो ये न्याय बता ही रहे हैं, पूर्व पक्ष ठीक नहीं है, उत्तर पक्ष तो ठीक है, ऐसे कह रहे हैं कैयट का। आगे से ये कह रहा है कि कैयटोक्त पूर्व पक्ष ठीक नहीं है, उत्तर पक्ष तो ठीक ही है। तो ये तो हमारा सही चल रहा है, हमारा एक ही था ये, इसको संयोगाद्योरंते वाला जो प्रसंग है, नैवम विज्ञायते संयोगो आदि संयोग आदि संयोगाद्यो, झल के परे रहते समीप भूत जो संयोग सकार या ककार, ऐसे लिखा हुआ अभी है मैंने, बिल्कुल यही लिखा हुआ है, जल के परे समीप भूत जो संयोग सकार या ककार, संयोगो आदि संयोग आदि संयोग आद्यो इति कथन तरी, यहाँ पर भी संयोगो आदि जो पढ़ा है ये सकार ककार की दृष्टि से द्विवचन है और कर्मधारय समास है। संयोग आदि जल के परे समीप भूत जो संयोग स या संयोग क, यदि ऐसा अर्थ करेंगे तब तो यहाँ पर दोष आएगा, झलके पर रहते समीप भूत आदि मानी समीप भूत, झलके पर रहते समीप भूत जो संयोग सकार जो संयोग ककार, देखिए जो संयोग सकार जो संयोग ककार उसका लोप होता है तो लोप पाएगा। अब जब हम ये कहेंगे झलके पर रहते जो संयोग उसका आदि, जो संयोग से तो जय आ गया, उस संयोग का आदि स आ गया, स और जय में एक वर्ण की ही संयोग संज्ञा की हमने, जय की संयोग संज्ञा की, उसका आदि स एक वर्ण स की संयोग संज्ञा उसका आदि क, तो यहां तो सूत्र लगेगा यहां नहीं लगेगा। मूल महाभाष्य तो इनका अभिप्राय बिल्कुल स्पष्ट हो गया, मूल महाभाष्य में जो कहा है कि कर्मधारय समास नहीं है, षष्ठी समास है, यहां स्को संयोगाद्योरंते च में संयोग का आदि जो सकार उसका लोप होता है।
यद्यपि उच्यते और आगे फिर बोले निर्याता निर्वाता संयोगादि हतो ऋणवता निष्ठा न तुम प्रसज्जेत एवं विजयते संयोगादि संयोगादि संयोग आदि में जिसके कथंतरी यहां पर वही द्वित्व संख्या से समाधान कर रहे हैं संयोगो आदि यस स्वयं संयोग आदि यद्यपि उच्यते इस भाष्य में ईच सक्तावस्था इसको संयोगादि अंत्य च ये जो अनुच्छेद है ये थोड़ा सा जटिल है बाकी तो सब सही है। इसमें कठिनता ये बन जाती है कि पूर्व पर जो द्विवचन से विग्रह दिखाते चले जाते हैं ना तो हमारी बुद्धि वहीं जाती है कि यहाँ पर भी द्विवचन से विग्रह कर रहे हैं पर द्विवचन से विग्रह नहीं कर रहे होते यहाँ पर सकार ककार के कारण से द्विवचन हो रहा है। जो दूसरा परिहार दे रहे हैं गुरु जी कि नयो विज्ञाते संयोगो आदि संयोग आदि और कथम तरी संयोग और आदि जो कह रहे हैं गुरु जी तो वहाँ पे फिर आदि पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी व्यर्थ हो जाएगा। क्यों हो रहा है गुरु जी कि संयोग परे तो हो रहा है दोनों में संयोग परे है नहीं एक एक वर्ण की संयोग संज्ञा होती है जल परे गुरु जी मैं बता जल परे रहते देखिए जल परे है जल परे रहते जो संयोग जी उसका आदि ऐसा जी तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा ना संयोग कब होगा जब दो होंगे और अब तो जल परे रहते भी तो देख रहे हैं ना जल के परे जल रहते जल परे तो देख लेंगे उसमें भी देख लेंगे इसमें जी यहाँ कैसे करेंगे देखिए जल के परे रहते जल परे हैं और जो संयोग संयोग नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। षष्ठी समास के अनुसार बताओ जल के परे रहते जो संयोग स है जी और स और तय को मान करके तो संयोग देख लिया संयोग है नहीं वहाँ पे तो संयोग नहीं है कहाँ गुरु जी जल परे रहते कहाँ संयोग है नहीं नहीं वो दो एक ऐसा देख रहे हैं कि दो वर्ण जब इकट्ठे आ जाएं तो एक एक की भी संयोग संज्ञा होती है पक्ष ये चल रहा है क्या पक्ष चल रहा है उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे ना मैं भी वही पक्ष ये चल रहा है कि दो वर्ण व्यवधान रहित आ जाएं तो उनमें एक वर्ण की भी संयोग संज्ञा हो जाती है तो एक सकार की भी संयोग संज्ञा हो जाती है जब स और तय इकट्ठे आ गए व्यवधान रहित तो फिर हो जाएगा गुरु जी है तो फिर लोप होने लग जाएगा हाँ वही तो पूर्व पक्ष है वो तो वही तो पूर्व पक्ष है कि लोप होने लग जाएगा और उत्तर पक्ष में ये दिखाना चाह रहे हैं कि झलके पर रहते जो संयोग उसका आदि सह होना चाहिए उसका आदि सह या कह नहीं है आद्यंत वदे कस्मिन से हो जाएगा वो तो कह दिया ना इन्होंने उसका समाधान किया है कि आद्यंत वदे कस्मिन नहीं लगा सकते हैं ये दिया है ना नीचे यहाँ पर आद्यंत वदे कस्मिन न चल सकता इत्यत्र व्यपदेशोद्भावेन स्वस्यापि स्वय समीपत्वेन दोषा तदवस्था आदि ग्रहण सामर्थ्यात् व्यपदेशी भाव अप्रवृत्ते है हर चीज का विचार किया इन्होंने व्याख्याकारों ने ऐसी कोई चीज छोड़ी नहीं कि जिस पर उन्होंने दो तरीके से पढ़ा जाता है जिसको पढ़ाना है तब तो देखो व्याख्याकार बनना पड़ेगा गुरुजी वाली बात है। गुरुजी से पूछा मैंने एक बार स्वामी जी महाराज नूरगढ़ वाले से कि जी गीता के इस श्लोक का क्या अर्थ है बोले भाई मैं व्याख्याकार नहीं हूँ मेरे को जो गीता से चाहिए वो मैं लेता रहता हूँ गीता के हर श्लोक का अर्थ बताना उसको जरूरी हो जाता है कि जो व्याख्याकार के रूप में अपना अभिनय कर रहा है तो भाई मैं तो व्याख्याकार नहीं हूँ मेरे को जो चाहिए गीता से मैं ले रहा हूँ। तो इसी तरह से जब हम व्याख्याकार हैं या अध्यापक हैं तो हमें हर बात का उत्तर देना पड़ता है और जो पढ़ रहे हैं अध्यापक के रूप में नहीं या व्याख्याकार के रूप में नहीं और जिनको केवल अपने लाभ के लिए पढ़ना है कि मैं समझ लूँ थोड़ा 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 मेरे को पता चल जाए मेरे को किस समझाने से मतलब नहीं है मैं अपने समझने के लिए कुछ पढ़ रहा हूँ कुछ मेरे को जहाँ ज़रूरत मैं ले रहा हूँ तो फिर तो बाध्यता नहीं होती है ना फिर जितना जहाँ समझ में आए ले लो जो नहीं आता उसको छोड़ दो और जितना भी हमारी ज़रूरत है उसके अनुसार हम चलते जाते हैं। तो ये लोग व्याख्याकार बन करके भाष्य पर विचार किया है और व्याख्याकार की ये बाध्यता है कि हर बात को वो खोज करके बताए कि इसका क्या मतलब है वो अरुचि रुचि नहीं दिखा सकता है कि मेरी जो इसमें रुचि नहीं है मैं अब इसको मैं छोड़ देता हूँ उसकी अपनी बाध्यता है वो तो उसने काम ऐसा हाथ में ले लिया कि वो उसको दिखाना ही पड़ेगा। फिर दृशत करोति का तो बात इतनी है कि तय और कह दो वर्ण है ना तो कह रहे हैं कि दो वर्णों में एक एक वर्ण की भी संयोग संज्ञा होती है
तो इस तय का लोप पाएगा। और फिर जब समाधान दिया तो इन्होंने ये कहा कि ठीक है तय की संयोग संज्ञा हो जाएगी, पर अर्थ ये है वहां पर संयोग अंत में है जिसके, संयोग अंत में है जिसके, किसके है जी? पद के। पद कैसे? तो संयोग अंत में है जिसके ऐसा पद। पद किसको मान रहे हैं गुरुजी? सुप्तिंग अंतम पदम को, इसकी दृशत की, दृशत को पद मानो। हाँ, तो जिसका दृशत को पद मानोगे तो दो संयोग अंत में नहीं है ना, ये कह तो इधर चला गया और तय इधर रह गया, ये दो संयोग वाला स्थल है। दो संयोग वाला स्थल ये वाला है, दो संयोग हैं जिसके, ये वाला स्थल जो है दो संयोग अंत में है जिसके, ये बनेगा, ये नहीं बन रहा है वैसा। और वो एक, जब दो संयोग नहीं देख रहे, एक संयोग देख करके कैसे लोप कर रहे थे जी उसका? तब तो एक वचन से विग्रह कर रहे थे, दो वर्णों का अनंतरी होने पर एक की भी संयोग संज्ञा हो जाती है जी, तो फिर संयोग अंत में जिसके इस तय का लोप पाएगा। संयोग अंत में, फिर तकार अंत में तो है त्रिशत के जी, तो तय का लोप पाएगा जिसके, जिस पद के, जिस पद के। और यहां जैसे मुख्य उदाहरण ये बनेगा, दो संयोग अंत में है जिसके, ये दो संयोग हो गए ना, न एक संयोग तय एक संयोग, दो संयोग अंत में है जिसके, उस पद के अलोन्त्यस्य से तय का लोप हो जाएगा। अलोन्त परिभाषा भी तो लग रही है साथ में, निर्यात निर्वात इति संयोगादे रातो धातुर यणवत इति निष्ठानत्वं प्रसज्येत, संयोगादे रातो धातुर यणवत निष्ठानत्वं प्रसज्येत, नैवं विज्ञायते ऐसा नहीं जाना जाता संयोगादि यस्य संयोगादि, दो संयोग आदि में है जिसके, बिल्कुल समाधान सही है। निर्याता में र और य दो व्यंजनों का, निर्याता दो व्यंजन जो है इकट्ठे हो रहे हैं, है ना, निर र और ये दो व्यंजन इकट्ठे हो रहे हैं ना, तो दो व्यंजनों के इकट्ठे होने पर एक वर्ण की भी संयोग संज्ञा होती है, तो यह की भी संयोग संज्ञा होगी, यह की संयोग संज्ञा होगी, तो फिर संयोग आदि रहा तो धातु यणवता, सूत्र की शर्त घट गई कि यह संयोग आदि में है, यणवान है, आकारांत है, तो निष्ठा के तकार को नकार पाएगा। फिर यह कह दिया कि दो संयोग आदि में है जिसके, संयोग आदि यणवता धातु, दो संयोग आदि में जिस धातु के, फिर नहीं होगा, यस्य से धातु लेंगे ना, संयोग आ रहा तो धातु और यण बता धातु लेंगे, तो पूरे इन छह उदाहरणों में इन्होंने समाधान कर दिया। एक एक की भी यदि संयोग संज्ञा होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सिद्ध कर दिया। फिर प्रश्न ये उठा दिया, कैसे एक एक की संयोग संज्ञा प्राप्त होती है? उत्तर दिया, प्रत्यय एवं वाक्य परिसमाप्ति देखी गई है, इसलिए एक एक की संयोग संज्ञा होती है। और इस प्रकरण का उपसंहार करते हुए क्या कहा? ये कहा कि समुदाय में भी तो वाक्य परिसमाप्ति होती है, उसको ही आधार बनाकर हम समुदाय की संयोग संज्ञा करेंगे अनवर्त संज्ञा विज्ञान से। संयोग एक अनवर्त संज्ञा है, और अनवर्त संज्ञा होने से अनेक की ही संयोग संज्ञा होगी, एक की नहीं। इस प्रकरण में प्रत्येक वाक्य परिसमाप्ति की बात कही, वृद्धि गुण संज्ञा जैसे प्रत्येक की होती है, तब इन्होंने दूसरे व्यक्ति ने, सिद्धांत ने कहा कि नहीं, ये भी तो दृष्टांत है समुदाय में वाक्य परिसमाप्ति, और इस दृष्टांत के रहते हुए यदि वहां प्रत्येक ग्रहण करते हो तो यहां पर भी जरूर हमको सहग्रहण करना पड़ेगा। दो प्रकार के दृष्टांत मिलते हैं, लौकिक दृष्टांत समुदाय में भाई वाक्य परिसमाप्ति, देवदत्त यजदत्त विष्णु मित्रा भोज्यंताम, ये तो है अवयव में वाक्य परिसमाप्ति का दृष्टांत, गर्गा सदम दंड्यंताम, ये है समुदाय में वाक्य परिसमाप्ति का दृष्टांत। जब इस दृष्टांत के सामने रखते हैं गर्गा सदम दंड्यंताम, तो इसके रखते हुए यदि प्रत्येक ग्रहण करना जरूरी बताते हो वृद्धि राधे चदे गुणा में,
तो यहां पर भी जरूर हमको सह ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि उधर प्रत्यवय भी वाक्य परिसमाप्ति होती है। देवदत्त यजदत्त विश्वमित्रा भोज्यंताम प्रत्यवय वाक्य परिसमाप्ति होती है। और उस दृष्टांत के रखते हुए हमको ये कहते हैं कि भाई हमें प्रत्येक ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर भी कह देंगे कि इस दृष्टांत के रखते हुए सह ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। दोनों दृष्टांत लक्ष्य के अनुसार हमको अलग अलग मदद कर देंगे। प्रत्येक के बिना यदि प्रत्येक की गुण वृद्धि संजय हो जाती है तो यहां भी सह ग्रहण के बिना समुदाय की संयोग संजय हो जाएगी। ये पूरा प्रकरण हो गया यहां तक। इस भाष्य का क्या सार निकला, यहां तक क्या सार निकला कि संयोग संजय जो है समुदाय की होगी, सहग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं। यदि हो भी जाए एक एक की तो भी उन्होंने परिहार दे दिया कि एक एक की हो भी जाए तो कोई ऐसी आपत्ति नहीं है, हमें थोड़ी युक्ति लगानी पड़ेगी, हमें सूत्रों के अर्थ का थोड़ा सा हमें परिष्कार करके देखना पड़ेगा उस समय। पर बात ये सार रूप में सिद्धांत बात यही निकली कि संयोग अनवर्त संज्ञा के कारण समुदाय की होगी, एक एक वर्ण की संयोग संज्ञा नहीं होती है। अब एक नया प्रसंग चलाया, जहां बहुत वर्ण इकट्ठे आ जाएं वहां दो दो की संयोग संज्ञा होती है या सामान्य करके बहुनाम एक। यहां अविशेषण का बहुनाम अर्थ है, लेकिन आगे एक बार बहुनाम ये अविशेषण शब्द का अर्थ सामान्य रूप से दो या बहुत ऐसा अर्थ आएगा। ठीक है, कहां पर है? 231 पर बाएं पक्ष में अविशेषण से संज्ञा विज्ञा से ते द्वयोरपि बहुनाम अपि, ये वाला अविशेषण का मतलब है वहां पर सामान्य रूप से दो की भी और बहुत की भी। तो बहुतों का जब अनंतरी होता है तो 228 पृष्ठ पर जो अविशेषण है ना, यहां पर बहुनाम एव, प्रदीप ने पहली पंक्ति में लिखा है द्वयोर इत्यस्य विशेषस्य अनाश्रयणात् बहुनाम एव इत्यर्था। वो निर्णय हो गया, और उस एक एक की संयोग संज्ञा में उस पक्ष को केवल विशेष प्रयास के द्वारा सिद्ध करके दिखाया वो मान्य नहीं है। वो एक माने प्रौढ़िवाद में जा करके और उन्होंने उसको सिद्ध करके दिखा दिया कि एक एक की यदि करो तो भी कोई हानि नहीं है, लेकिन वो मान्य पक्ष नहीं है, क्योंकि आखिरी में इन्होंने दिया ना कि इहापि नार्था सह ग्रहणेन, समुदाय की हो जाएगी। यहां पर भी 228 पृष्ठ पर तत्र अंतरेण प्रत्येकम इति वचनम प्रत्येकम गुण वृद्धि संजय भवता इहापि नार्था सह ग्रहणेन, यहां भी सह ग्रहण की आवश्यकता नहीं है, ऐसे कह दिया। शुरू में जो वार्तिककार ने यह बात कही थी 225 पर संयोग संजयन सहवचनम यथान्यत्र, वार्तिककार का भाव ही ये था कि समुदाय की संयोग संज्ञा करनी चाहिए, जैसे कि अन्यत्र करते हैं हम समुदाय में कार्य, जैसे उभय अभ्यस्तम सह समास संज्ञा सह साथ साथ होती है, समास संज्ञा पूर्वोत्तर पद की मिला करके हम वो करते हैं समास संज्ञा, एक एक की नहीं करते समास संज्ञा। वहां पर भी ये चर्चा चलाई सहसुभा सूत्र पर कि समास संज्ञा प्रत्येक की पाएगी, पूर्व पद की अलग समास संज्ञा, उत्तर पद की अलग समास संज्ञा, और उभय अभ्यस्तम में भी ये चर्चा चलाई कि दो पद हैं द्विवचन करने के बाद, पूर्व वाले का अलग अभ्यस्त नाम पाएगा, दूसरे वाले का अलग अभ्यस्त नाम पाएगा। पर ये समुदाय वाक्य परिसमाप्ति के द्वारा इन सब स्थलों में परिहार देते हैं कि समास संज्ञा भी समुदाय में होगी, अभ्यस्त संज्ञा भी समुदाय में होगी। उसी शैली का ये उदाहरण है, जैसे समास संज्ञा अभ्यस्त संज्ञा समुदाय में होती है, संयोग संज्ञा भी समुदाय में होगी, सहग्रहण की आवश्यकता नहीं है। वार्तिककार ने सुझाव दिया सहग्रहण करना चाहिए, वार्तिककार सब जगह सहग्रहण करवाने के पक्ष में, वहां पर भी उभय अभ्यस्तम सहिति वक्तव्यम ऐसा वार्तिककार ने कहा,
भाष्यकार ने उसको कहा कि सहग्रहण की क्या जरूरत है, जब आप वृद्धि आदेश में सहग्रहण की प्रत्येक ग्रहण की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वहां वार्तिककार ने तो ये कहा है कि कहा है ना वृद्धि आदेश अधिक गुणा में प्रत्येकमिति वक्तव्यम। वार्तिककार स्पष्ट ही कहलवाना चाहते हैं कि प्रत्येक की गुण संज्ञा हो, प्रत्येक वर्ण की, आ की अलग, अ की अलग, ए की अलग, ओ की अलग, ऐसे ही आ आई औ अलग अलग गुण वृद्धि संज्ञा करनी चाहिए प्रत्येकमिति वक्तव्यम, ऐसे कहा। भाष्यकार ने उसको वैसे ही करके समाधान कर देते हैं कि करने की जरूरत नहीं है ना, करने की जरूरत नहीं है, प्रत्येकम वाक्य परिसमाप्ति देखी जाती है उसके अनुसार प्रत्येक की हो जाएगी। इसी तरह से वार्तिककार यहाँ पर भी सुझाव दे रहे हैं सहग्रहण करना चाहिए संयोग संज्ञा में, संयोग संज्ञा में सहग्रहण करना चाहिए। भाष्यकार ने यह समाधान दिया कि सहग्रहण क्या जरूरत है, समुदाय वाक्य परिसमाप्ति देखी जाती है, वहां अवयव में वाक्य परिसमाप्ति दिखा दी, प्रत्येक में वाक्य परिसमाप्ति दिखा दी या समुदाय में वाक्य परिसमाप्ति दिखा दी, तो ये निर्णय तो यही है एक एक की संयोग संज्ञा नहीं होती है, समुदाय की होती है। पर वो थोड़ा अति उत्साह में कभी कभी कि जैसे कि कह देते हैं ना आप, आपको क्या परेशानी है, एक एक की कर लो फिर, ऐसे एक एक की कहाँ आपको दोष दिखाई देता है, तो दोष स्थल उन्होंने दिखाए तो उनका समाधान कर दिया। सिद्धांत यही है कि समुदाय की होती है और सहग्रहण की जरूरत नहीं कहने की। अब ये पक्ष उठाया समुदाय में वाक्य परिसमाप्ति है, उदाहरण दिया है गर्गासतम दंडेतम जी, ये किस अंश में दिया है जी? समुदाय में वाक्य परिसमाप्ति, गर्ग लोग होते हैं, मान लीजिए उनका एक मोहल्ला होता है तो बोले गर्ग लोगों पर 100 रुपये जुर्माना कर दो इस दोष में, तो उसे प्रत्येक अवयव से नहीं लिया जाता, 10 घरों का समुदाय था या 20 घरों का समुदाय था, उस समुदाय से 100 रुपये वसूल कर लिए, एक एक व्यक्ति से 100 रुपये वसूल नहीं किए। इसी तरह यहाँ पर समुदाय पर वाक्य परिसमाप्ति होगी संयोग संज्ञा की, अनवर्त संज्ञा भी है ये उत्तर दिया ना, अनवर्त संज्ञा विज्ञानात एक एक की हो ही नहीं सकती है। यत्र बहुनाम आनंतरियम किम तत्र द्वयोर द्वयोर संयोग संज्ञा, इसमें कहा समुदाय संयोगादि लोपमस्जे, ये एक प्रसंग उठाया नया। देखिए दो दो की संयोग संज्ञा होती है या सामान्य करके होती है, समुदाय में संयोगादि लोपमस्जे 3, 4, 5, 6, अविशेष पक्ष में बहुनाम पक्ष में 6 दोष दे रहा है। समुदाय में यदि संयोग संज्ञा होती है 6 दोष दे दिए, क्या क्या 6? मंगता मंगतुम में संयोगादि लोप नहीं पाएगा, निर्ग्लेयात में वान्य संयोगादे एत्व नहीं पाएगा, संस्वरिशिष्ट रितस संयोगादे इट नहीं पाएगा, संस्वरियते में गुणोर्थ संयोगाद्य गुण नहीं पाएगा, गोमान करोति में संयोगांतस लोपा नहीं पाएगा, निर्ग्ला में संयोगादे धातु रेणुता निष्ठानत्व नहीं पाएगा। क्यों नहीं पाएंगे? इसलिए कह रहे हैं कि बहुतों के संयोग में, जैसे एक उदाहरण देता हूं, सारे फिर उसी तरह के हैं, ये है ना मस मंस, ये उदाहरण है, उसको संयोग दुरंते से संयोग आदि सकार का लोप कहा है, और संयोग संजय है बहुतों की खट्टी, न स जय समुदाय की हो पाएगी, स जय की नहीं हो सकती। निर्ग्लेयात में रग्ला ग्लेयात वान्य संयोगादे, देखिए र ग ल 3 है ना, और संयोगादि मान रहे हैं गैले को पकड़ करके, र गैले का संयोग है, पकड़ रहे हैं संयोग गैले का। इसी तरह से इसी शैली में सारे हैं, सम स्वरिशिष्ट सम मैं स और व, म स व 3 वर्ण है, संयोगादि मान रहे स व को, ठीक है ना। आगे वाले उदाहरण में संस्वर्यते में भी इसी तरह का उदाहरण है, गुणोर्थ संयोगाद्यो, गोमान करोति में भी गोमान तक, देखिए गोमान तक करोति ये उदाहरण है,
न तय कह का संयोग है और न तय को संयोगांत मान रहे हैं, सब जगह भंग कर रहे हैं, तीन तीन को देखा और दो में कार्य करने लग जा रहे हैं। बहुनाम समुदाय बहुनाम एवं संयोग संजय भवति, ये पक्ष लेकर के चल रहे हैं। क्या पक्ष लेकर के चल रहे हैं दिमाग में रखना पड़ता है कि किस परिस्थिति में बात कह रहे हैं। ऐसे अपनी तरफ से सोचने लगे कुछ पता नहीं चलेगा, ये जिस परिस्थिति में अपनी बात रख रहे हैं उसी को आधार बना करके हमें दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये किस पृष्ठभूमि में बात कहने जा रहे हैं। निर्ग्लाना संयोग धातु ऋणवता निष्ठानत्व नहीं पाएगा। र ग ल तीन है, र ग ल निष्ठानत्व नहीं पाएगा। देखिए ये तय को न चाहिए, र ग ल और संयोग आदि मान रहे हैं गैले को। अस्तु तरी द्वयोर्द्वयो संयोग संज्ञा, तो इन्होंने दो दो की संयोग संज्ञा पर केंद्रित हो गए। द्वयोर्द्वयो संयोग इति चेत् दुर्वचनम न सिद्ध्यति, ये एक समस्या रखी। इंद्रम इच्छति इंद्रियते सन, इंद्रम इच्छति इंद्रियति और इंद्रियतुम इच्छति, दो बार इच्छति इच्छति अर्थ में प्रत्यय हो रहा है। इंद्रम इच्छति इंद्रियति इंद्रियतुम इच्छति इंदिद्रीषति, पहले क्यच प्रत्यय किया, क्यजंत से सन कर दिया, अपने इंद्र देवता को चाहता है। इंद्रियति इंद्रियतुम इच्छति, इंद्र होने की इच्छा की इच्छा करता है। इंद्रियति का अर्थ है इंद्र की चाहना करता है, जैसे पुत्रियति पुत्र की चाहना करता है, इंद्रियति इंद्र की चाहना करता है, इंद्रियतुम इच्छति इंद्र की चाहना करता है कि मेरे को इंद्र की चाहना हो जाए, ऐसी चाहना करता है। चाहने वाले का तो नहीं आएगा, चाहना वाला तो नहीं आएगा, वाला केवल वहीं पर रुक जाओगे तब तो वाला हो जाएगा। इंद्रियति कह करके बात बोलोगे ना तब तो वाला हो जाएगा, लेकिन जब आप इंद्रिय तुम इच्छति तुमन प्रत्यय करोगे ना तो वाला नहीं आएगा। इंद्र की इच्छा के लिए इच्छा करता है, वाला तब आएगा जब आप उसका रूप बनाओगे ना, कर्ता कारक में प्रत्यय करोगे, इंद्रियति ऐसा बोलोगे या इंद्रिय धातु से कोई कर्तावाची प्रत्यय करोगे, इंद्रिय कह ऐसा बनाओगे, नूल प्रत्यय करोगे तो उसका अर्थ हो जाएगा चाहने वाला। इंद्रिय का अर्थ हो जाएगा चाहने, जैसे पुत्रम इच्छति पुत्री है, पुत्रीय कह अब चाहने वाला अर्थ हो गया। पुत्री तुम इच्छति पुत्र के चाहने वाले की इच्छा करता ही अर्थ नहीं निकलेगा। पुत्री तुम इच्छति पुत्र के चाहने की चाहना करता है, पुत्र की इच्छा करता है, पुत्र मुझको मिले ऐसी चाहना कर रहा है, अपने पुत्र की चाहना करता है। अंतर है थोड़ा सा, जैसे कोई कहे कि पुत्री देवदत्ता पुत्रम इच्छति, देवदत्ता अपने पुत्र को चाहता है, पुत्र को चाहता है किस रूप में चाहता है, पुत्र को चाहता है अपने अपना मेरा पुत्र हो, पुत्री यति देवदत्ता, फिर इस इच्छा की भी इच्छा की जाती है, इच्छा की भी इच्छा की जाती है कि मेरे अंदर ये इच्छा हो। जैसे कोई विद्या की इच्छा करता है तब तो विद्या की इच्छा करता है तो बोलेंगे क्या चीज से चो, विद्या शब्द से यदि क्यच प्रत्यय करते हैं क्या चीज अस्य की अनुवृत्ति है ना, विद्यति विद्या की इच्छा करता है, विद्या मिले, अब किसी के अंदर इच्छा ही नहीं है विद्या प्राप्त करने की, तो कहेंगे कि विद्या की इच्छा करने के लिए वो इच्छा कर रहा है कि मेरे अंदर विद्या पढ़ने की इच्छा हो, इस इच्छा की इच्छा कर रहा है, विद्या पढ़ने की जो इच्छा है इस इच्छा की इच्छा कर रहा है कि मैं विद्या पढ़ूं। तो ऐसे प्रयोग होते हैं वहाँ, उन प्रसंगों के लिए दोबारा लाना पड़ता है। जैसे चिकीर्षति देवदत्तः चिकीर्षति, इसका अर्थ है करने की इच्छा करता है,
पर चिकीर्षितुम इच्छति ये वाक्य प्रयोग भी होता है, ये बात अलग है कि सन नहीं आता, वो तो अगमक होने के कारण नहीं आता। चिकीर्षितुम इच्छति ये वाक्य नहीं हटा रहे हैं, चिकीर्ष धातु से सन हटा रहे हैं, पर इस वाक्य को नहीं हटा रहे हैं। उसका हेतु ये है अगमक होने से वैसा प्रयोग होता नहीं है इसलिए हटा रहे हैं। ये प्रयोग तो होता है चिकीर्षितुम इच्छति, करने की इच्छा करता है। कोई आदमी इतना आलसी है कि वो अपने अंदर वो इच्छा जगा रहा है कि मैं कुछ करूं, चिकीर्षितुम इच्छति उस अर्थ में बोला जाएगा। केवल देवदत्ता चिकीर्षति, देवदत्त कुछ करना चाहता है, पहले से इच्छा है उसके अंदर और इसलिए वो करना चाहता है, पर इच्छा नहीं है तो करने की जो इच्छा है उस इच्छा के लिए इच्छा करता है। तो इस अर्थ में ये दो बार प्रत्यय ला करके दिखा रहे हैं। गुरु जी यहाँ पर कर्ता को कहने के लिए कोई प्रत्यय अभी नहीं आया जी, तब तक हम ये इच्छा की इच्छा करना मानेंगे जी। जी कोई कर्ता का तो नहीं आया अभी तक, कर्तावाची प्रत्यय जब नहीं आएगा ना तब तक क्रियावाची शब्द रहेगा ये। अपने इंद्र को चाहने की इच्छा कर रहा है जी। तो हलो संयोग इति चेत दुर्वचनम, द्वयोर हलो संयोग इति चेत दुर्वचनम सिद्ध्यति। इंद्रम इच्छति इंद्रियति, इंद्रियते सन इंद्रिय सति। तो इन्होंने एक समस्या लिखी बताई कि दो दो की यदि संयोग संज्ञा होती है तो दकार संयोग आदि होने से दुर्वचन निषेध पाएगा। मनी ऐसी स्थिति दिखा रहे हैं, इंद्रिय दकार संयोग आदि हो गए ना, न द र, ये दकार भी संयोग आदि, दो दो की संयोग संज्ञा हो रही है तब बता रहे हैं, ये दो दो की संयोग संज्ञा है तब ये दोष दे रहे हैं। नैवायस दोषा किं करणमज विधे, ये अच्छ से उत्तर संयोग के आदि अत से साक्षात उत्तर मिलने चाहिए, नकार दकार रेप ये साक्षात उत्तर नहीं, बीच में नकार आ गया तो ये उत्तर दे दिया। नैव आज विधे अथ यद्यव बहुनाम संयोग संज्ञा अथापि द्वयोर द्वयो किम गतम एतद सूत्रेण, एक नया प्रसंग चला दिया। तो ये द्वयोर द्वयो संयोग संज्ञा ये रख लिया इन्होंने, ऊपर जो कहा ना हलो संयोग इति चेत दुर्वचनम, दुर्वचन नहीं पाएगा, दुर्वचन नहीं पाएगा, नैवायस दोषा, तो दुर्वचन नहीं पाएगा तो इस समस्या का कोई दोष नहीं। वा का पक्षांतर अर्थ तो है नहीं, वा का अर्थ यहाँ पर अथवा यहाँ कोई दोष नहीं है, अथवा यहाँ कोई दोष नहीं है, वार्तिककार कह रहे हैं, अथवा ये समझो यहाँ कोई दोष नहीं, वार्तिककार ने अपनी बात कही दोष पाएगा अथवा कोई दोष नहीं है। क्यों अजविधे, बहुतों की संयोग संज्ञा या दो दो की, क्या इस सूत्र से निकल आया? बोले निकल आया। कैसे? जब बहुनाम संयोग संज्ञा तो अविद्यमान अंतरम येषाम विग्रह करेंगे, जब दो दो की तो अविद्यमान अंतरा येषाम करेंगे, द्वयोश्चैव अंतरा कश्चित् विद्यते वा न वा, दो के बीच में ही तो कोई होगा या नहीं होगा, दो के बीच में ही तो कोई होगा या नहीं होगा। एवं भी बहुनाम में प्राप्त होती, क्योंकि जिनको आप षष्ठी से निर्देश कर रहे हो एषाम पद के द्वारा बहुवचन में, न विद्यते अंतरा एषाम, एषाम से जिसको कह रहे हो, एतेषाम अन्येन व्यवाय न भवितम, इन सब का अन्य के द्वारा व्यवधान होने पर नहीं होना चाहिए। इन्होंने ये बतलाया कि न विद्यमान अंतरम येषाम करेंगे तब तो बहुतों की, और अविद्यमान अंतरा येषाम करेंगे तो दो दो की संयुक्त संज्ञा पाती है, क्योंकि अंतरा कहने का अर्थ है मध्य में, जिन दो के मध्य में कुछ ना हो या हो, दो के मध्य में ही तो कोई चीज होगी या नहीं होगी, दो के मध्य में जैसे कि पनसम है, स और मैं के बीच में अ आ गया ना तो संयुक्त संज्ञा नहीं हुई, स और मैं के बीच में अ आ गया संयुक्त संज्ञा नहीं हुई, ऐसे
दो दो के ही बीच में तो देखेंगे हम, तो दो की संयोग संज्ञा हो पाएगी। जब दो के बीच में नहीं है, जिन दो के बीच में नहीं है, लेकिन उसने कहा कि दो के बीच में नहीं है तो कह रहे हो, पर एशाम भी तो कह रहे हो साथ में, अन्य पदार्थ प्रधान होता है बहुव्रीहि। दो के बीच में नहीं है जिनके, तो आप दो दो के देखते जाओगे तो वो तो बहुत सारे हो जाएंगे। एशाम से जिनका निर्देश कर रहे हो तो बहुत सारे हो जाएंगे। दो दो के बीच में देखते हुए, जैसे कोई काल्पनिक रूप उदाहरण बोलते हैं उसको, कार्य उदाहरण नहीं दे रहा हूं, रूप उदाहरण। ये दो हैं, फिर ये दो हैं, फिर ये दो हैं, ठीक है, जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ना, र तय दो हैं, फिर तय और स दो हैं, फिर स और न दो हैं, फिर न और ये दो हैं, तो बहुत हो गए। दो के बीच में नहीं है, र तय के बीच में कोई दूसरा भिन्न जातीय अच नहीं है, तय स के बीच में नहीं है, स न के बीच में नहीं है, न और ये के बीच में नहीं है, ठीक है। तो कह रहे हैं जिनको आप षष्ठी से निर्देश कर रहे हो ना, वो तो बहुत सारे हो गए ना, स्पष्ट हुआ है? नहीं, ये तो मैं रूप उदाहरण दिया है, कार्य उदाहरण नहीं है। कार्य उदाहरण तो फिर वो बहुतों की संयोग संज्ञा में इन्होंने बताया ही पीछे दोस्तों, एवं अपि बहुनाम एव प्राप्नोति जो का नहीं, दो दो की संयुक्त संज्ञा भी होती है, ये पक्ष ही कैसे बनेगा, बहुतों की होगी, ऐसा आग्रह कर रहा है वो व्यक्ति, ऐसा आग्रह कर रहा है कि आप कह रहे हो दो दो की हो जाएगी, दो दो की होगी कैसे, बहुतों के समवाय में तो बहुतों की ही होगी, ऐसे जोर दे रहा है। जब कई सारे अक्षर इकट्ठे हो गए, जैसे मान लीजिए ये कई सारे इकट्ठे हो गए, तो आप न स की या स ज की नहीं कर सकते, फिर तो इकट्ठे न से जय की करनी पड़ेगी आपको, ऐसे बता रहे हैं। र ग ल की करनी पड़ेगी आपको, बहुत सारे इकट्ठे हो गए तो। मैं स व की करनी पड़ेगी, बहुत सारे दो की नहीं कर सकते हो आप, बहुनाम एव प्राप्नोति ऐसे बतला है, ठीक है। अस्तु तरी समुदाय संजय, अच्छा तो फिर समुदाय में ही रहती है, ऐसा करेंगे। गुरु जी ये जो अजादी है ये पंचमी में ले रहे हैं क्या? हाँ जी हाँ जी। तो फिर अस्तु तरी समुदाय, समुदाय संयोगादि लोपमश्चे, समुदाय में होती है। चलो देखो न से ज पूरे समुदाय का होता है, तो इन्होंने कहा समुदाय संयोगादि लोपमश्चे न दोषा अंत्यात पूर्व मस्जिर मित अनुसंग संयोगादि लोपार्थम, ऐसा करेंगे इसको, ऐसा करेंगे मंस नजर ऐसे करेंगे। बहुतों की होती है अस्तुतरी समुदाय संज्ञा, समुदाय में होती है, नैश दोषा ये समाधान दे दिया। अथवा अविशेषण संयुक्त विज्ञासित, अविशेषण यहां पर जो अविशेषण पद है, यहां पर जहां बहुतों की संयुक्त संज्ञा बहुत वर्ण इकट्ठे हो रहे हैं ना, वहां दो दो की भी कर सकते हो, समुदाय की इच्छा है तो समुदाय की कर सकते हो, यहां पर जाकर के टिक गए। द्वयोरपि बहुनामपि तत्र द्वयोरिया संयोग संज्ञा तदाश्रय लोपो भविष्यति, उन्होंने ये कहा, ये उस पक्ष में बात है, इस पक्ष में दो की जो संयोग संज्ञा है ना स और ज की, तदाश्रित लोप हो जाएगा। जब ये वार्तिक नहीं मानते अनुसंग संयोग आदि लोप के लिए, मस्जिर अंत्यात पूर्वम नहीं मानते। यद्यपि उच्यते, ये जो दोष दिए थे ना, छह दोष दिए थे कुल मिलाकर, उन दोषों का परिहार कर दिया। इच निर्गलायात निर्मलायात निर्गलेयात निर्मलायात वान्य संयोगादि तुम न प्राप्नोति अंगेन संयोगादि विशेषयिष्यामः अंगस्य संयोगादि एवं तावत् सर्वमांगं परितम, तीसरा चौथा भी परिहार हो गया। अंग के द्वारा संयोगादि, अंग का जो संयोगादि, और जो पांचवा छठा है ईचस गोमान करो तो यमान करो तो संयोगांत लोपा लोपो न प्राप्त होती, पद से संयोगांत को विशेषित करेंगे, पदस्य संयोगांत, पद का जो संयोगांत है उसको लोप होता है। गोमान पद का संयोगांत तय का ही लोप होगा। यदि पूछते निर्गलानो निर्मलाना संयोगादि धातु ऋणवता निष्ठानत्व न प्राप्त होती, धातु के द्वारा संयोगादि को विशेषित करेंगे, धातु का जो संयोगादि रह छूट जाएगा, रूपसर्ग का रह है ना वो छूट जाएगा, धातु का संयोगादि
धातु का संयोग आदि मानकर उससे उत्तर निष्ठानत्व हो जाएगा। ओ शांति शांति।